टोल प्लाजा लगने के विरोध में उतरी एकजुट जम्मू के कार्यकर्ताओं ने कठुआ में पत्रकार वार्ता करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा सरकार जम्मू के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। एकजुट जम्मू इस टोल प्लाजा के खिलाफ है। भाजपा के कार्यकाल में अभी तक 4 टोल प्लाजा लगाए जा चुके हैं। आने वाले समय में भाजपा और भी टोल प्लाजा लगाने के तैयारी में है। जम्मू के लोगों ने भाजपा के लिए वोट दिया था कि वह जम्मू के लोगों की सेवा करेगी, 25 सीटें जितवाकर सत्ता में बिठाया था, लेकिन लोगों की सेवा में भाजपा खरी नहीं उतरी। इस टोल प्लाजा के उपलक्ष्य जो है कि ये टोल प्लाजा नहीं लगाया जाए जो जम्मू के लोगों की मांग है, इसमें ये चीज़ सबसे बड़ी देखी जा रही है कि भाजपा की जो सरकार है वो जम्मू के लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। जिस हिसाब से ये टोल प्लाजा लगाया गया, पहले जो 6 महीने पहले जब रविंद्र राणा जी इस बात को कहते हैं मीडिया के सामने कि जम्मू के लोगों को जो ये टोल वगैरह जो उठाया गया है ये जम्मू के लोगों के लिए कम से कम जो है टैक्स से निजात है और एक जो है तोहफा जो है टोल को उठाना जम्मू के लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद अभी आप देखिए कि एक सरकारी विभाग पूरे को ख़त्म करके भाजपा की सरकार इस प्रकार काम करने पर लगे हुई है कि वो एक प्राइवेट फर्म को ये टोल वगैरह दे रही है। आगे ही महंगाई की मार जो है COVID-19 के समय में इतनी बुरी हालत है और एक प्राइवेट शख्स को ये टोल प्लाजा देके सरकारें क्या साबित करना चाहती हैं। अभी देखिए जो एकजुट जम्मू का स्टैंड है वो कम से कम ये चीज़ है कि एकजुट जम्मू इस पूरे टोल प्लाजा के खिलाफ है और कम से कम ये चीज़ है कि जो कश्मीर में आप देख सकते हैं कि जो एक ही टोल प्लाजा जो है वो आज तक लगाया गया है और जम्मू को भाजपा के समय में आप देख लीजिए कि अभी तक 4 जो टोल प्लाजा जो हैं वो लगाए जा चुके हैं, जिसमें लखनपुर का टोल प्लाजा जो है जो अभी लास्ट समय में अभी शामिल है। और आप ये चीज़ देखिए कि आने वाले समय में 6 टोल प्लाजा और लगाने की तैयारी जो है भाजपा की सरकार कर रही है। देखिए भाजपा को जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस हिसाब से वोट दिया था कि भाजपा की सरकार जो है जम्मू के लोगों का भला करेगी, लेकिन भाजपा की सरकार ने कोई भी ऐसा वैसा काम करने की बजाय भला करने की बजाय जो धारा वगैरह उठाई, ये उनका कानूनी मुद्दा था, उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि भाई वो धारा 370 वगैरह हटा के जम्मू के लोगों को कम से कम जो कश्मीर के हिसाब से जो सेंट्रिक पार्टी है उनसे निजात दिलाएगी और जम्मू के लोगों का भला करेगी, और विकास के नाम पे जो जम्मू में टोल प्लाजा वगैरह जो अभी लगाने का काम कर रही है, कम से कम ऐसा तो भाजपा को जम्मू के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए था कि जो पहले की सरकारें थी उनके हिसाब से ही भाजपा की कार्य प्रणाली अभी तक रही है। देखिए जहाँ तक बात रही कि इन लोगों की भाजपा के लोगों के ऊपर जो भरोसा लोगों ने किया था, जो कम से कम 25 सीटें जो थी भाजपा की सरकार को कम से कम जिता के जम्मू के लोगों ने सत्ता के बीच में बिठाया था, और जम्मू के लोगों ने सत्ता के बीच में बिठाने के बाद कम से कम इतना था कि भाई एक राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो जम्मू के लोगों का विकास करेगी, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि जिस हिसाब से टोल प्लाजा वगैरह लगाए जा रहे हैं, पहले जो 4 टोल प्लाजा आगे से ही लगे हुए हैं, 6 टोल प्लाजा और लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन भाजपा की सरकार को ये चीज़ समझना होगा कि जिन जम्मू के लोगों ने 25 सीटें भाजपा को जिता के जो सत्ता में लाया था, उन्हीं लोगों के ऊपर भाजपा की सरकार इस हिसाब से कार्य कर रही है कि उन्हीं लोगों को निचोड़ने के ऊपर लगी हुई है। इस समय आप हालात देख सकते हैं कि किस हिसाब से अभी जम्मू रीजन की हालत इतनी बुरी है, 4 महीने से लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, लोगों की हालत बुरी है, प्रदेश में हाहाकार मची हुई है, आम लोगों के जितने काम धंधे वगैरह है रोज़गार वगैरह सभी बंद पड़े हुए हैं, हालात इस हिसाब से बनी हुई है कि आम लोगों तरह के लिए जो भाजपा ने अभी तक कार्य किया हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्य शामिल है, जिसमें एक जो शुरू में इन्होंने कोई राशन वगैरह देने का काम किया था वो स्टार्टिंग में सिर्फ एक भाजपा की सरकार ने दिया था, उसके बाद जम्मू के लोगों को भाजपा की तरफ से कोई भी राहत प्रदान नहीं की गई, उसके बाद जो अभी टोल प्लाजा वगैरह लगाए जा रहे हैं ये भाजपा को जम्मू के लोगों की तरफ से भाजपा की तरफ से जम्मू के लोगों को सौगात है। देखिए जम्मू के लोग अभी इस टोल प्लाजा को एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं है, जो कंडीशन है महंगाई की हालत आप दर समय स्तर देख लीजिए कि किस हिसाब से चल रहा है, और इस टोल प्लाजा को लगाने का कोई भी अभी मतलब पर्याय नहीं बनता है कि ये टोल प्लाजा लगाया जाए, क्योंकि देखिए जो केंद्र की सरकार थी उसमें नितिन गडकरी जी ने जो कहा था, उसमें नितिन गडकरी जी ने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से जो अपने RTO एक्ट के हिसाब से नितिन गडकरी जी ने हर जो गाड़ी थी 1.5 लाख के ऊपर जो गाड़ी थी उसके ऊपर समझ लीजिए उन्होंने 10% का टैक्स लगाने का पर्याय बनाया हुआ था, और अभी आप देखिए कि 15 लाख की गाड़ी के ऊपर अगर 1.5 लाख रुपया अगर आदमी पे कर रहा है वो भी केंद्र सरकार के खजाने में ही जा रहा है,
ठीक है। उसके बाद में जब आप देखिए पेट्रोल डीजल का रेट जो है वो इस समय 82 रुपये के करीब पहुँच चुका है। अभी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो रेट था वो सबसे कम स्तर पर था, और अभी की आप हालत देख लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल कम होने के बाद जितना भी रिजर्व करके भाजपा की सरकार ने रखा हुआ था उसका बेनिफिट कोई भी जो है वो जम्मू के लोगों को नहीं मिल रहा है। और जितना भी आप देखिए कि भाजपा का दिन ब दिन भरोसा जो है जम्मू के लोग जो है करना बंद कर रहे हैं, जम्मू के लोगों के बीच में से भाजपा का भरोसा उठता जा रहा है। जम्मू के एक जो आपकी पार्टी है ये टोल प्लाजा को हटाने के लिए क्या रणनीति तैयार कर रही है या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? देखिए जो एकजुट संगठन है वो इसे जम्मू प्रोविंस लेवल के ऊपर लेके जाएगा, इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएगा, और जिस प्रकार से सभी संगठन जितने भी विपक्षी दल हैं उन्होंने कठुआ में के जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इससे पहले भी विपक्ष ने जो है अपना अहम योगदान जो है वो निभाया है, और उसी प्रकार से एक अहम विपक्ष का रोल निभाने के लिए एकजुट जम्मू जो संगठन है ये इसे जम्मू प्रोविंस लेवल के ऊपर लेके जाएगा और आम लोगों के खिलाफ के हक में जो है आवाज़ उठाएगा, और भाजपा की जो कार्यप्रणाली संदेहास्पद कार्यप्रणाली जो लोगों के बीच में रही है उसको जनता के सामने उजागर करेगा, और ताकि वो कम से कम एक भाजपा का असल चेहरा जो है वो जनता के सामने लाया जा सके। कठुआ से अमित बान, अलर्ट इंडिया न्यूज़।